जहरीली तीर में लगा जहर कुशल की बॉडी में फैल रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे। कुशल दोबारा तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ काम करना बंद कर दिए थे। कुशल अगर ज्यादा देर यहाँ रहा तो वो मर जाएगा। और वहाँ जग्गा ब्लास्ट वाली बॉटल फेंकने का मौका ढूंढ रहा था। कुशल को याद आता है कि सारस पक्षी ने कहा था कि जग्गा की कमजोरी पानी है, और पास में नदी भी थी, और कुशल को वहाँ पास में डंगाल दिखती है जो शरबती को बचाने के लिए उसने काटा था। उसमें आम लगे हुए थे। कुशल उन आमों को तोड़कर नदी में फेंकने लगता है। शरबती और जग्गा को समझ नहीं आता कुशल ये क्या कर रहा है। कुशल फिर तेजी से नदी की तरफ भागने लगता है। कुशल को अचानक नदी की तरफ भागता देख जग्गा भी उसके पीछे भागता है, लेकिन कुशल तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और पानी के अंदर डूब जाता है। जग्गा पानी में जा नहीं सकता था, इसलिए वो किनारे में खड़ा होकर कुशल को देखने लगता है। लेकिन तभी कुशल तेजी से अचानक पानी के ऊपर आता है और आम फेंककर जग्गा के हाथ में मारता है। हाथ आम में लगते ही जग्गा के हाथ से वो बॉटल छूट जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। बॉटल टूटते ही उसमें से भयंकर आग की लपटें बाहर आने लगती है और जग्गा खुद उसी आग में जल जाता है। आग में जलते ही जग्गा तुरंत वहां से गायब हो जाता है। उधर कुशल भी पानी में बेहोश हो जाता है और नदी के साथ बहने लगता है। शरबती पत्थर के पीछे से छुपकर ये सब देख लेती है और तुरंत दौड़कर नदी में छलांग लगा देती है और कुशल को लेकर पानी के बाहर आ जाती है। शरबती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुशल को कैसे बचाएं। तभी आसमान से उड़ते हुए शरबती का तोता वहाँ जाता है और शरबती से कहता है, यहाँ थोड़े आगे एक जादुई बगीचा है जहाँ तरह तरह की औषधि लगी हुई है। शरबती बिना देरी किए हुए अपने तोते के साथ कुशल को लेकर उस जादुई बगीचे में पहुँच जाती है। लेकिन जादुई बगीचे के बाहर चार अलग अलग तरह के फल लटक रहे थे, जिनमें से एक फल बाकी तीन फलों से बिल्कुल अलग है, मतलब ऑड वन आउट है। तो चारों फलों को ध्यान से देखिए, पहला है मैंगो, दूसरा है वाटरमेलन, तीसरा है गुआवा और चौथा है पपाया। इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन चारों में आम छोड़कर बाकी तीनों में एक से ज्यादा बीज होते हैं, लेकिन मैंगो में केवल एक बीज होता है। शरबती तुरंत आम तोड़ लेती है और बगीचे का दरवाजा खुल जाता है। जादुई बगीचे में आपका स्वागत है, बस अपनी बीमारी का नाम बताओ और झटपट से उसका इलाज पाओ। शरबती तुरंत कुशल को लेकर अंदर जाती है और देखते ही देखते तीन चार पत्तियां अपने आप टूट कर वहाँ आ जाती है और उनका रस कुशल के बाजू वाले घाव में गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद कुशल का घाव बिल्कुल पूरी तरह से भर जाता है और कुशल को होश आ जाता है। शरबती के तोते ने आज कुशल की जान बचा ली। उधर जग्गा का पूरा शरीर जल चुका था और वो घायल अवस्था में गोगो के पास पहुंच जाता है। गोगो अपने जादू से जग्गा को ठीक कर देता है। मेरा नाम है पहली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहलियों से खोखो। शैतान गोगो कुशल और शरबती को मारने के लिए टगलू को बुलाता है। टगलू एक जादुई जिन था और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी। तनक दिन 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 दिन, मैं हूँ टगलू जिन, बताइए आका मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तब शैतान गोगो टगलू जिन से कहता है कि इस वक्त छुबंतर की दुनिया में कुशल और शरबती नाम के दो लोगों को मारना है, और टगलू जिन कुशल और शरबती को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर कुशल और शरबती छुबंतर की दुनिया को पार करने का रास्ता खोज रहे थे और शरबती का तोता भी उनकी मदद कर रहा था। वो देखो आगे एक लड़की जा रही है। कुशल और शरबती तुरंत उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। मैं कुशल हूँ और शैतान गोगो तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकती हूँ मैं तुम्हारी मदद, लेकिन देना होगा मेरी पहेली का जवाब। दिए की तरह जलती हूँ, रूप है मेरा जमा हुआ, फिर भी मैं पिघलती हूँ, हर रात में रोती हूँ, रो रो कर मर जाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो लॉजिकल आर्मी क्या आप दे सकते हैं इस पहेली का जवाब? सोचिए सोचिए। इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती, और कुशल बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देता है। मैं 10 साल से इस छुमंतर की दुनिया में रहती हूँ। शैतान गोगो तक पहुँचने के लिए तुम्हें बहकावे की दुनिया को पार करना होगा। मैं तुम्हें बहकावे की दुनिया तक ले जा सकती हूँ, उसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। इसके बाद वो लड़की कुशल और शरबती को छुमंतर की दुनिया के बॉर्डर तक लेके जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर टकलू जी आ जाता है। खिली खिली गप्पा, तुम तीनों मरने के लिए हो जाओ तैयार। जिनको देखते ही वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इससे पहले कि कुशल कुछ कर पाता, टगलू जिन कुशल और शरबती पे अपना जादू कर देता है और वो दोनों घायल हो जाते हैं। टगलू जिन कुशल और शरबती को मारने के लिए दोबारा मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी शरबती का तोता टगलू जिन की चोटी खींचने लगता है। टगलू जिन तोते को भगाने लगता है। इतने में मौका पाकर कुशल अपना तीर निकालता है
और मंत्र पढ़ कर आग वाला तीर चला देता है। तीर लगते ही डगलूजिन आग में पूरी तरह जल जाता है और वहीं पे मर जाता है। कुशल और चरवती बहकावे की दुनिया में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक परछाई प्रकट हो जाती है। सावधान, अगर तुमने आगे रखा एक भी कदम तो मैं तोड़ दूंगी तुम्हारा दम। अगर जाना है आगे तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और परछाई एक पहेली पूछती है। लोग कहते हैं मुझे साया, क्योंकि मैं हूँ एक छाया। हरदम रहती हूँ साथ पर कभी ना करती बात। तो जकरार में क्या आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। कुचल इसका जवाब दे देता है। इसका जवाब है परछाई। तो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। कुचल और शरबती फिर बहकावे की दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शरबती को बहुत तेज प्यास लग जाती है। कुचल, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो शरबती का तोता कहता है, रुको मैं आसपास पानी देख कर आता हूँ। शरबती का तोता तुरंत दौड़ कर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, जल्दी वहाँ चलो। कुचल और शरबती तालाब के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तालाब देखते ही कुशल कहता है, यहाँ कोई तालाब नहीं है, ये एक छलावा है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कुचल को ऐसा क्यों लगा कि ये तालाब नहीं है? सोचिए सोचिए। तालाब के बगल में देखिए एक पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उसकी परछाई तालाब पे नहीं बन रही है। अब भला ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब वो पानी नहीं है। लेकिन शरबती को प्यास के मारे रहा नहीं जा रहा था तो वो तालाब का पानी पीने लगी, लेकिन उसके हाथ में पानी आ ही नहीं रहा था। सतपुर, यहाँ पर तो पानी है ही नहीं, हमें कहीं और जाके पानी पीना होगा। इसके बाद कुचल और शरबती वहाँ से आगे चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग वापस उसी तालाब के पास पहुँच जाते हैं। ये क्या, हम लोग तो वापस उसी तालाब के पास पहुँच गए। नहीं, ये वो तालाब नहीं है, ये दूसरा तालाब है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं कुशल को ऐसा क्यों लगा कि ये दूसरा तालाब है? सोचिए सोचिए। तालाब के किनारे लगे हुए पेड़ की परछाई तालाब के पानी में बन रही है, इसका मतलब ये असली पेड़ है। कुशल और शरबती फिर तालाब का पानी पीने लगते हैं। शरबती का तोता भी पानी पी लेता है। अगर हम लोग इसी तरह से चलते रहे तो बहुत समय लग जाएगा, मैं अपने जादुई शीशे से शॉर्टकट रास्ता पूछता हूँ। इसके बाद कुशल अपनी पीठ से जादुई शीशा निकालता है, लेकिन जादुई शीशे पर एक पहेली लिखी हुई थी, मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, सब पीते हैं मुझे पर मैं सूप नहीं, जैसा चाहो मैं वैसा ढल जाता हूँ, बर्फ बना लो या उबाल लो। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए। कुचल इसका जवाब दे देता है। इसका जवाब है पानी। और जादुई शीशा कुचल को बहकावे की दुनिया से बाहर निकलने का नक्शा बना देता है। कुचल और शरबती नक्शे को फॉलो करते हुए बहकावे की दुनिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। तो क्या कुचल और शरबती बिना किसी मुसीबत के बहकावे की दुनिया को पार कर लेंगे, या फिर बहकावे की दुनिया में कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी? आगे की कहानी देखेंगे अब अगले एपिसोड में। थैंक यू।